नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी है। आपको बताते चले कि बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय में 50 लाख के बजट से डिजिटल लाइब्रेरी भवन का निर्माण किया जाएगा, वहीं जहां रीडर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी टैब सुविधा रहेगी। आपको बताते चले कि इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धौलरा में करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी। वहीं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे 25 अक्टूबर को दोबारा बिलासपुर का दौरा करेंगे, जिस दौरान वे आपदा प्रभावित लोगों को राहत पैकेज वितरित करेंगे। मैं आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूं, उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि भवन का उद्घाटन है, शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूं, और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुंचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है, ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूं। केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है, उसके अनुसार हमारा क्लेम जो बनता है वो हम चाह रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कर देते तो हिमाचल की आर्थिक ही जो तंगी के दौर से गुजर रहा है, उससे हम आपदा राहत परिवारों को और भी राहत पहुंचाते। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की तरफ से घोषित किए गए विशेष आपदा पैकेज को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र की तरफ से दी गई सहायता और स्वीकृत योजना के पैसे को राहत पैसे में समाहित कर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। विपक्ष इसकी सच्चाई को जनता के बीच ले जाकर सरकार के झूठ को बेनकाब करेगी। बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद शिमला लौटने पर जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष ने आपदा में राजनीति को दरकिनार कर मदद की कोशिश की है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार केंद्र के सहयोग को दरकिनार कर केंद्र के खिलाफ मुहिम चला रही है। वहीं केंद्र सरकार अभी भी प्रदेश को मदद कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहत में ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों को फायदा देने के लिए सूचियां बनाई जा रही है। ये राहत प्रभावितों को मिलना चाहिए, न कि दल विशेष के लोगों को। ये भाई करिए का बहुत सारे काम, ये राहत राशि, ये पैकेज उन प्रभावित लोगों के लिए है जिनके परिवार का सदस्य इस बारिश और बरसात के कारण दुनिया से चला गया। राहत उनको मिलनी चाहिए, राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों का घर चला गया, उनको मिलनी चाहिए, वो पात्र हैं। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पशुशाला चले गई, पशु चले गए, पशुधन चला गया, उनको राहत मिलनी। राहत उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका घर डैमेज हो गया, रहने के लायक नहीं रहा, उनको मिलनी चाहिए ये राहत, ना कि उनको मिलनी चाहिए कि वो दल विशेष के हैं। वहीं खबर शिमला से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आपदा को लेकर जारी किए गए 45,000 करोड़ के राहत पैकेज पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि बोलने से पहले जयराम ठाकुर को राहत पैकेज की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बरसात में बारिश में काफी नुकसान हुआ है, सरकार ने प्रभावितों को मदद देने के लिए 45,000 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े किए जा रहा है। वहीं पूर्व
मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से जारी 4500 करोड़ राहत पैकेज पर बोलने से पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। वहीं बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से आपदा राहत पैकेज जारी किया गया है और इस राहत पैकेज की मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को कुल्लू जिला में शुरुआत करेंगे और लोगों को चरणबद्ध तरीके से हर प्रभावित तक मदद पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको व्यवहारिक करने का प्रयास किया कि लोगों का मदद का मतलब है कि दोबारा उनका आशियाना बने, जो उन्होंने घर खोया है वो घर दोबारा बना सकें, और उसमें हर तरह से सरकार कहां कहां तक कैसे मदद कर सकती है बड़ी ईमानदारी के साथ सरकार को मदद करना चाह रही। जहां तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से भी कहता हूं कि उनको पूरा डिटेल देना चाहिए। बार बार मीडिया को वो एड्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डिटेल क्यों नहीं बताते कि कौन सा पैसा भारत सरकार से अभी तक हिमाचल को जो है स्पेशल पैकेज के तौर पे लोगों की सहायता के लिए आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिमला में 30 सितंबर से जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर थे और लगातार पंचायती राज विभाग में मर्ज की मांग कर रहे थे। इसको लेकर प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव देखने के लिए मिला, जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों को निलंबन के आदेश दे दिए हैं और इसी के साथ ही आउटसोर्स पर भर्ती के निर्देश भी दे दिए हैं। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से उबर रहा है, ऐसे में राहत और पुनर्वास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते विभाग को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये कर्मचारी हड़ताल पर थे और सरकार इन कर्मचारियों की मांग को लेकर गंभीर है। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। देखिए, प्रदेश सरकार जो है वो एक आपदा से जूझ रही है। 95% जो है 90 से 95% ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी विकास के काम हैं वो मैक्सिमम पंचायतों के थ्रू होते हैं, और इस समय जो है स्ट्राइक पे जाके गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जिन्होंने घर बनाने हैं, सड़क बनानी है, उन्होंने अपने डंगे बनाने, 1085 करोड़ रुपये मनरेगा के तहत सैंक्शन हुआ है वो करने हैं, सारे काम जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। और हमारा शुरू से ही अनुरोध रहा है, निवेदन भी रहा है जिला परिषद के कर्मियों से कि अभी ये उचित समय नहीं है। सभी मुझे सभी मंत्रियों से भी बात हुई है, सभी MLAs के CPS के भी मुझे फोन आते हैं, सभी जिला परिषद कर्मी MLAs और CPS और मिनिस्टर से मिल रहे हैं इस विषय को लेकर, और हमने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि आपका जो डिमांड्स हैं वो अवश्य जो है हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है, आप लोग जो है वापस ड्यूटीज जॉइन करें। वहीं खबर शिमला से है, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि जिसमें SSB डाक विभाग, नेहरू युवा केंद्र, उच्च अध्ययन संस्थान के कर्मियों और NSS के छात्रों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत घर घर से एकत्रित की गई मिट्टी को एक कलश में एकत्र कर दिल्ली भेजा जाएगा, जिसे 30 और 31 अक्टूबर को अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक में समाहित किया जाएगा। और इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के निदेशक ईरा प्रभात ने बताया कि देश के वीरों को नमन करने की मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी घर घर जाकर मिट्टी को एकत्रित किया गया है। वहीं देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरों को स्मरण करने और देश की एकता और विविधता के प्रतीक के लिए स्मारक स्थापित किया जाएगा, जिसमें देश के लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पचहत्तर पौधे हर पंचायत में इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। सेकेंड फेज में हमने हर घर से मिट्टी एकत्रित की, हर गांव से मिट्टी एकत्रित की, जो ब्लॉक स्तर पर एकत्रित की गई है, और अब ये जो कार्यक्रम है हर ब्लॉक में, हिमाचल प्रदेश के 88 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जो गांव से मिट्टी एकत्रित की गई है वो कलश हमारे ब्लॉक लेवल पर आएंगे और उनको हम सम्मिलित करके राष्ट्रीय स्तर पर जो 30 और 31 को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कर्तव्य पथ पर शहीदों के नाम से एक वाटिका बन रही है और वहां पर ये मिट्टी लेकर जाई जाएगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धर्मशाला में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर शहर ट्रैफिक व्यवस्था के तहत चलेगा। सुबह 11 बजे से ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया जाएगा और शहर के प्रवेश और एग्जिट के लिए पेट्रोलिंग के लिए 5 टीमें तैनात रहेंगी। वहीं 22 अक्टूबर के मैच को लेकर 1500 जवानों अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। पहले 3 मैचों से सुरक्षा व्यवस्था दोगुनी कर दी गई है। वहीं एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर ही प्लान बनाया गया है। इमरजेंसी वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए आवाजाही पर रोक नहीं होगी। वहीं एचआरटीसी बसों को निर्धारित समय से चलने का मौका रहेगा। आपको बताते चले कि वहीं वॉल्वो बसों के साथ भी टाइमिंग को लेकर बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में 6 वन वे प्लान किए गए हैं, मैच में बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने वाले हैं, ऐसे में उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। पूरे शहर में जो किसी प्रकार की आइडल पार्किंग ऑन दी रोड साइड्स, अनलेस जिसको पुलिस की टीम्स द्वारा जो है सिचुएशनल बेस पे एक कंट्रोल्ड मैनर में लगवाया जा रहा है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की जो आइडल पार्किंग है धर्मशाला और इसके आसपास की पेरिफेरी एरियाज, जिसमें दाढ़ीज को मैक्लियोडगंज की तरफ जाने वाले बाईपास रोड्स, शीला चौक जो रूट है उस रूट पे जो आइडल पार्किंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें नॉन एसेंशियल गुड्स और ऐसी सप्लाईज होती हैं उनको जो है मैच से 6 घंटे पहले, जो हमारा एंट्री टाइम है उससे 6 घंटे पहले, दैट मींस कि हम उसको जो है 8 बजे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।